तो फ्रेंड्स जब भी आप कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो उस मोबाइल में सबसे पहले क्या लेते हैं कि उसकी रैम कितनी है, इंटरनल स्टोरेज कितनी है, कैमरा कैसा है, कैमरा का परफॉर्मेंस कैसा है, बैटरी कितनी है, एंड उसका स्क्रीन साइज। कभी आपने ध्यान किया है कि स्क्रीन साइज तो क्या हो बट स्क्रीन टाइप कौन सी है, TFT है, LED है, OLED है, AMOLED है, कौन सी है? अगर दोस्तों आपको मोबाइल की स्क्रीन के बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है, ठीक है जानकारी है बट उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है जितनी कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा बेस्ट स्क्रीन वाला मोबाइल लेने के लिए। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल सिटी। तो अगर आप ऐसे टेक्नोलॉजी वीडियोस देखना चाहते हैं मोबाइल लैपटॉप के गैजेट्स के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी। तो फ्रेंड जो पहला हमारा स्क्रीन टाइप है वो है TFT। TFT मीन्स थिन फिल्म ट्रांजिस्टर डिस्प्ले। ये डिस्प्ले दोस्तों एक प्रकार का LED डिस्प्ले है बट इस डिस्प्ले में जो व्यूइंग एंगल है जैसे आप ऐसे करेंगे ना तो धुंधला दिखाई पड़ता है बट IPS और LCD एंड AMOLED डिस्प्ले में ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। ये TFT डिस्प्ले बहुत साल पुरानी टेक्नोलॉजी है एंड इसको पुराने मोबाइल में यूज किया जाता है। लगभग अभी के मोबाइल में तो बहुत ही कम फोन इसको यूज करते हैं जो कि 4 या 5 हजार रुपए के आसपास के सस्ते होते हैं, उन मोबाइल में इसका यूज किया जाता है। और साथ ही साथ ये स्क्रीन टाइप बैटरी को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करता है कंपेयर टू LCD एंड IPS एंड AMOLED डिस्प्ले। लेकिन दोस्तों मैं कभी भी आपको सजेशन नहीं दूंगा कि आप TFT डिस्प्ले वाला मोबाइल खरीदिए बट इस वीडियो में मुझे डिस्प्ले के टाइप्स बताने थे इसीलिए मैंने आपको TFT डिस्प्ले के बारे में बताया था। तो चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्क्रीन टाइप के बारे में। तो फ्रेंड्स दूसरा होता है IPS डिस्प्ले। IPS डिस्प्ले मतलब इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। यह भी एक प्रकार का LCD ही डिस्प्ले है बट ये TFT से काफी बेहतर होता है एंड इसमें व्यूइंग एंगल मींस अगर आप इसमें ऐसे करके देखते हैं, अगर आप कोई मूवी देखते हैं ऐसे करके देखेंगे तो आपको मूवी की पूरी क्लैरिटी दिखाई देगी बट TFT में ऐसा नहीं है। और ये डिस्प्ले बैटरी काफी कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू TFT के मुकाबले और इसका थिकनेस भी बहुत कम होता है। और तो और इस डिस्प्ले वाला मोबाइल फोन ना काफी बेहतर एंड स्मूथ चलता है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने थर्ड स्क्रीन टाइप के बारे में। अगला हमारा स्क्रीन टाइप है OLED। OLED मींस ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डिवाइस। आज के काफी समय में मोबाइल में ये वाली डिस्प्ले OLED डिस्प्ले दी जाती है क्योंकि ये काफी थिन और स्मूथ चलती है एकदम रफ्चिक। मुझे लगता है कि सैमसंग ने काफी महंगे 18 से 20 हजार के मोबाइल में भी ये डिस्प्ले डाली गई है एंड उसके ऊपर के जो मोबाइल है उसमें AMOLED डिस्प्ले भले ही डाली गई हो। अब AMOLED डिस्प्ले क्या होती है चलो मैंने बता दी, तो AMOLED डिस्प्ले के बारे में मैं आपको नेक्स्ट में बताता हूँ, ठीक है। और ये जो आपका OLED डिस्प्ले है ये काफी पतली एंड थिन होती है और वजन में भी कम होती है और वही बात बैटरी कंज्यूम कम करती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि AMOLED एंड सुपर AMOLED डिस्प्ले क्या होती है। तो दोस्तों AMOLED डिस्प्ले जो है ना वो सिर्फ एक LED डिस्प्ले है और इस प्रकार के LED डिस्प्ले में आपको बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी मिलती है। लेकिन हाँ ये स्क्रीन जिस जिस मोबाइल में जाती है उस मोबाइल का दाम थोड़ा हाई हो जाता है क्योंकि ये एक फ्लैगशिप वाली स्क्रीन है, इसको महंगे महंगे मोबाइल में ही मेरे ख्याल से यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और हाँ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।